Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. This is Shisha here. Friends, आज का वीडियो का हेडिंग देख के शायद आपको पता ही चल गया है आज का वीडियो का टॉपिक्स क्या है. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वेट लॉस, वो मैं अपने आप के ऊपर ट्राई करके देख ली हूँ. आप देख ही सकते हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको पता ही चल गया है मेरा भी बहुत वेट लॉस हुआ है. मेरा 10 kg फ्रेंड्स वेट लॉस हुआ है. मैं बहुत ही हैप्पी हूँ. ये एक डाइट प्लान है, इसके लिए मुझे कुछ भी खाना पीना छोड़ना नहीं पड़ा. मैं सिर्फ खाती रही, खाते खाते मेरा वेट लॉस हो गया. तो फ्रेंड्स, आपको डाइट प्लान सुन के डरना नहीं है, ये बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है. डाइट सुन के हर कोई सोचता है खाना पीना छोड़ देना है, पर खाना पीना आपको छोड़ना नहीं है. खाते खाते आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे. मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है नाम लेने के लिए, तो मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ. पर वो समझ जा रहे हैं, उनके लिए ही ये वीडियो डेडिकेटेड है. और उनके सिवा भी फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड हैं जिनको अपना वेट को लॉस करना है, अपने आप को एक आइडियल वेट देना है, तो उनके लिए ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है. इसको जरूर देखिए और देखने के बाद इस डाइट प्लान को जरूर ट्राई कीजिए. और इस डाइट प्लान को फ्रेंड्स मैं सिर्फ 7 ही दिन फॉलो की हूँ. 7 ही दिन में मेरा वेट 10 kg लॉस हो गया है. और आप फ्रेंड्स इससे भी ज़्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं. और इसके बाद इसको कैसे कंटिन्यू करना है और कैसे खाना है, कौन सा चीज़ खाने के बाद आपका वेट लॉस हो सकता है, इसका पूरा डिटेल्स मैं इसके बाद दूंगी. और एक बात फ्रेंड्स, मेरा 10 kg लॉस हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका 10 kg ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि ये मैन टू मैन वेरी करेगा. तो फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई कीजिए. और फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, सामने दुर्गा पूजा है और भी बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है. तो आप चाहते हैं कि आपका वेट को लॉस करके एक अच्छा सा वेस्टर्न या इंडियन ड्रेस पहन के आपको बहुत अच्छा लगे, आप जब घूमने जाए सभी लोग आपको देखे, ऐसा चाहते हैं तो जरूर इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए. कुछ ही दिन में फ्रेंड्स आपको आपका मनचाहा वजन मिल जाएगा. और इस डाइट प्लान को फ्रेंड्स फॉलो करने से आपका हेल्थ भी सही रहेगा, यानी आप फिट रह पाएंगे. और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक परफेक्ट फिगर भी मिल जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस डाइट प्लान के लिए मैं क्या क्या फूड लेने के लिए आपको बोल रही हूँ. पर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब बटन, इसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद मैं जो भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी उसका सभी अपडेट आपको मिल जाएगा. और एक बात फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के पास से एक बेल बटन है, उसको भी क्लिक करना है. उसको नहीं क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा. यानी आपको सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल बटन को भी दबाना है. आप बेल बटन को दबाएंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसके तुरंत बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे. तो अभी चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस डाइट प्लान को. लेट्स गो एंड चेक आउट द वीडियो. इस डाइट प्लान का फर्स्ट स्टेप है आपको सुबह खाली पेट, यानी सुबह आप जब ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद आपको खाली पेट एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आपको एक लेमन जूस ऐड करना है और एक चम्मच हनी ऐड करना है. तो गुनगुना पानी है, इसमें एक चम्मच शहद डालना है आपको यानी हनी, और एक लेमन का जूस ऐड करना है और इसको पी जाना है. अच्छे से मिक्स कर लीजिए. लेमन हनी और गुनगुना वाटर, ये तीनों ही फ्रेंड्स आपका फैट कटर का काम करेगा. ये वाटर फ्रेंड्स आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके आपका वेट को लॉस करने में हेल्प करता है. तो सुबह आप 6 से 7 बजे इसको खाली पेट पिया कीजिए और उसके 2 घंटे बाद आपको लेना है. यानी आप सुबह 6 बजे ये वाटर पीते हैं तो उससे 2 घंटे बाद यानी 8 बजे आपको सैलड लेना है. और सैलड लेने के लिए आपको एक खीरा लेना है, एक गाजर लेना है, एक टमाटर लेना है और एक प्याज लेना है. और इन तीनों को अच्छे से स्लाइस करके सलाद बना लेना है. और सलाद बनाने के बाद इसको आपको
खाना है, सिर्फ यही लेना है, इसका क्वांटिटी यही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये आपको 8 से 9 बजे खाना है, यानी सुबह ब्रेकफास्ट के जगह पे आपको ये खाना है। इस सैलड में फिर आप थोड़ा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सैलड खाने के बाद आपको खट्टा दही खाना है, उसके साथ ही साथ आप खा सकते हैं, यानी सैलड खाने के साथ ही साथ आप खट्टा दही खा सकते हैं। ये आप घर पे भी बना के खा सकते हैं। 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम आपको खट्टा दही ले खाना है। आप 8 बजे इस ड्रिंक्स को लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको 2 घंटे बाद यानी 10 बजे सैलड खाना है और उसके साथ आपको खट्टा दही खाना है। ये हो गया सुबह का डाइट प्लान। और इसके बाद आपको दोपहर में यानी लंच टाइम में आपको क्या लेना है, कौन सा डाइट लेना है, यानी क्या खाना पका के खाना है, वो मैं दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स ये जो मैं बोल रही हूँ, जो भी डाइट प्लान दिखा रही हूँ, इसको आप रेगुलर कंटिन्यू 1 हफ्ते करेंगे तो 1 ही हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 1 ही हफ्ते में लगभग 10 से 15 kg वेट लॉस कर पाएंगे। तो और एक बात फ्रेंड्स, मैं जो भी दिखा रही हूँ उससे बाहर जाके, यानी आप बाहर घूमने गए हैं, फास्ट फूड खा लिए, तो ये काम में नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है, जो भी मैं दिखा रही हूँ एक ही क्वांटिटी आपको लेना है और इसी डाइट को आपको फॉलो करना है। तो अभी चलिए, और ये जो भी मैं फूड दिखा रही हूँ, जो भी डाइट प्लान दिखा रही हूँ, ये हेल्दी भी है, ये आपको वीक नहीं बनाएगा। इसमें मैंने सभी चीज़ लिया है जिससे आपका हेल्थ भी ठीक रहे, आप वीक ना बने और उसके साथ ही साथ आपका वेट भी लॉस हो। तो अभी चलिए आपको लंच के टाइम में क्या खाना लेना है उसको मैं पका के आपको दिखाती हूँ, कैसे उस रेसिपी को आपको बनाना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं उस रेसिपी के लिए आपको क्या क्या लेना है, उसको कैसे पका के आपको कब खाना है। लेट्स गो। पहले बर्तन को आपको चूल्हे में बैठाना है, फिर गैस ऑन करना है और उसके बाद आपको 2 कप पानी इसमें ऐड करना है और उसके बाद आपको 2 चम्मच गाजर का स्लाइस डालना है। 2 बड़ा चम्मच गाजर का स्लाइस, याद रखिए 2 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून आपको गाजर का स्लाइस लेना है। 1 चम्मच बीन्स ऐड करना है, 1 चम्मच कॉर्न ऐड करना है, 1 चम्मच प्याज ऐड करना है, 1 चम्मच शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ऐड करना है, 1/2 चम्मच अदरक, 1/2 चम्मच लहसुन, आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मिर्च ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच मिर्च ऐड कर रही हूँ। अभी इसको आपको 5 मिनट के लिए उबालना है, ये जब बॉईल हो जाएगा तब आपको फिर से इसमें कुछ ऐड करना है, वो मैं दिखाऊंगी। अभी बॉईल करने के लिए मैं इसको रख दूंगी, ढक के इसको आप रख दीजिए 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद आपको फिर से इसमें कुछ ऐड करना है, वो मैं इसके बाद दिखा रही हूँ। यही मील को लंच में और डिनर में लेना है तो आप दोनों को एक साथ बना के रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत और भी ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे रात का भी रेडी रहे मेरा। तो आप जब रात को इसको खाएंगे तब आपको फिर से इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो मैं थोड़ा और इसमें ऐड की हूँ इसकी वजह से, अभी मैं इसको उबालने के लिए रख दूंगी। ये 2 टाइम के लिए है, ये जो रेसिपी है 2 टाइम के लिए है, यानी लंच और डिनर दोनों के लिए है। तो थोड़ा मैं और भी इसमें ऐड की हूँ। तो आपको 2 चम्मच के जगह 4 चम्मच गाजर लेना है, 2 चम्मच शिमला मिर्च लेना है यानी कैप्सिकम लेना है, 2 चम्मच बीन्स लेना है, 2 चम्मच प्याज लेना है, 2 चम्मच कॉर्न लेना है और 1 चम्मच अदरक लेना है, 1 चम्मच लहसुन लेना है और 1 चम्मच मिर्च लेना है। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप थोड़ा बहुत और भी ऐड कर सकते हैं और आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप तीखा के सिवा भी यानी तीखा को स्किप कर सकते हैं। जब ये सारा वेजिटेबल बॉयल हो जाएगा तब इसमें मुझे टमाटर और मटर ऐड करना है। टमाटर मटर तो जल्दी से बॉयल होता है, इसके वजह से मैं इसको बॉयल करने के बाद फिर से मैं इसमें टमाटर मटर को ऐड करूंगी। तो ये मेरा 5 मिनट अभी बीत गया है, अभी मैं इसमें टमाटर और मटर को ऐड करूंगी। तो मैं दोनों टाइम के लिए 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, लंच और डिनर के लिए। तो मैं 2 चम्मच टमाटर स्लाइस ऐड कर रही हूँ।
आपको इसको 2 मिनट के लिए उबालना है, देखना है सब वेजिटेबल बॉयल हो जाए और उसके बाद इसको गैस ऑफ करके आपको कैसे खाना है वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये मेरा रेडी हो चुका है, इसको आपको गुनगुना रहते ही खाना है। देखिए इससे धुआं निकल रहा है, तो थोड़ा गुनगुना रहते ही आपको खाना है इसको। फ्रेंड्स आपको 2 टाइम लेना है, यानी लंच में और डिनर में 2 टाइम आपको इसको खाना है। और इसमें आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। ये ब्लैक सॉल्ट है, याद रखिए आपको इसमें ब्लैक सॉल्ट ही ऐड करना है। आपको जितना लगे आप उतना ले सकते हैं। और एक आधा लेमन इसमें ऐड कीजिए और ब्लैक पेपर भी आपको जितना लगे आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्वाद को थोड़ा और भी इन्हेंस करने के लिए। मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, आपको नहीं अच्छा लगे ब्लैक पेपर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको आपको दोपहर में लंच में 2 बजे इसको आपको खाना है। आप ऑफिस गोइंग है या आप कॉलेज जाते हैं तो ये आप अपने हॉट पॉट में लेके जा सकते हैं और दोपहर गरम गरम इसको खा सकते हैं। याद रखिए इसको आपको लंच और डिनर 2 टाइम ही लेना है। और उसके बाद यानी लंच और डिनर लेने के आधा घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीना है। ग्रीन टी हम लोग जैसे बनाते हैं, यानी पहले आपको 1 ग्लास पानी को उबालना है, फिर चूल्हे को ऑफ करके उसमें आधा चम्मच आपको ग्रीन टी ऐड करना है और उस पानी को आधा घंटे के लिए रख देना है। और आधा घंटे बाद छान के ग्रीन टी को गुनगुना रहते ही पीना है। लंच और डिनर दोनों को एक साथ बना के दिखाई हूँ, पर आपको ग्रीन टी अलग अलग कैसे बना लेना है, यानी दोपहर और रात का जो ग्रीन टी है वो भी आपको अलग से बनाना है। यानी दोनों टाइम का ग्रीन टी आप एक साथ बना के नहीं पी सकते हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको अलग से ही बनाना है, 2 टाइम का ग्रीन टी अलग से बना के अलग से टाइम में आपको पीना है। लंच के टाइम में भी आपको आधा घंटे बाद ग्रीन टी पीना है और डिनर के आधा घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीना है। और 8 से 9 बजे तक आपको डिनर कर लेना है। और इसके बीच में यानी टिफिन टाइम यानी 6 बजे आपको भूख लगे तो आप एप्पल और खीरा यानी क्यूकम्बर इन दोनों को आप खा सकते हैं। बिग साइज का एप्पल हो तो आप एक एप्पल ही लीजिए, तब खीरा को मत लीजिए। या बिग साइज का आप खीरा ले रहे हैं यानी क्यूकम्बर खा रहे हैं तो आप सिर्फ क्यूकम्बर ही खाइए। कुछ भी बाहर का खाना, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है। सिर्फ जो भी मैं डाइट बोली हूँ ये सभी आपको फॉलो करते जाना है। इस डाइट प्लानिंग के टाइम में आपको कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाना है, कोई भी ऑयली चीज़, फास्ट फूड कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। और आपको बहुत सारा पानी पीना है, यानी दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है। इस डाइट प्लान को मेंटेन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इस डाइट प्लान को जरूर मेंटेन कीजिए और इसको मेंटेन करके चलेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक परफेक्ट फिगर जरूर मिलेगा। आप अपने वेट को लॉस कर पाएंगे और आपको एक मनचाहा वजन मिलेगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं जो भी दिखाई हूँ इस वीडियो में, जैसे जैसे आपको बोली हूँ डाइट को फॉलो करना है, सिर्फ उसी को आपको फॉलो करना है। ये नहीं क्या ये सब फॉलो कर लिए उसके बाद में हम जब बाहर जाते हैं फास्ट फूड खा लिए या कोई ऑयली फूड खा लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम स्ट्रिक होके इस डाइट प्लान को फॉलो करना है, तभी आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, आपको आपका मनचाहा वजन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस डाइट प्लान को जरूर फॉलो कीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, मैन टू मैन ये वेरी करेगा। किसी का हो सकता है इससे ज़्यादा भी वेट लॉस हो और किसी का इससे कम, पर फ्रेंड्स मेरा तो 10 kg वेट लॉस हुआ है। तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। फ्रेंड्स जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी भी सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें या ना करें,
प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंड्स आप मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड जानकारी लेना चाहेंगे मुझसे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मैं आज की वीडियो पेश कर रही हूँ मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट से। तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए। और एक बात फ्रेंड्स, ऐसा होता है क्या आप रिक्वेस्ट आज किए पर एक दो महीने बाद आपका वीडियो रिलीज हुआ, ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आता रहता है तो इसके लिए टाइम लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा टिप्स आपके लिए सही रहेगा और आपसे पहले जो लोग रिक्वेस्ट किए हैं उसका वीडियो आगे आ सकता है। तो आप पेशेंस रखिए, जरूर आपका भी वीडियो आएगा। तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स देखते रहिए, मेरे हर वीडियो को एंजॉय कीजिए और उस सभी टिप्स को ट्राई कीजिए आपके ब्यूटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।